Hi students, I am Barun from All English. Today we will read the second chapter of Flamingo. The name of the story is Lost Spring, Stories of Stolen Child. It is written by Anees Jung. She has written many books, but her famous book is Unveiling India, that was written in 1987. That book refers to the interview with women across the country, and that gave her fame. She has written many books like Seven Sisters, Breaking the Silence, Beyond the Courtyard, Song of India. These are the books have been written by her. She was born in 1964 in Rourkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad, where she got her education from Usmania University. Her parents were both writers. Anees Jung was a poet, editor and columnist in a newspaper of Times of India. Okay, so this is the story of two unprivileged child. One is Sahif, other is Mukesh. So we will read first about Sahif. So let's start this chapter. Why do you do this? I asked Sahib, whom I encounter every morning scorching for a gold in the garbage dump of my neighborhood. Narrator पूछती है कि तुम ऐसा क्यों करते हो? जब वो देखती है साहेब को कि स्कॉर्चिंग का मतलब होता है ट्राई टू गेट समथिंग, तो वो ढूंढने की कोशिश कर रहा है गोल्ड इन द गार्बेज डम ऑफ माय नेबर, यानी कि जो नरेटर है उसके नेबर में गार्बेज होता है और उसमें वो कुछ ढूंढने की कोशिश करता है जिसको मेटाफोरिकली रेफर किया गया है गोल्ड से. जैसे फार्मर के लिए गोल्ड जो होता है फसल होता है, किसी भी इंसान के लिए कुछ भी गोल्ड हो सकता है, डिपेंड करता है उसकी जो एबिलिटी होती है, उसका अपना प्रायोरिटीज होता है उस पर. साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहेब जो है अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया था. सेट एमिडस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, यानी उसका घर कहाँ था, जो ग्रीन फील्ड यानी कि ढाका में चारों तरफ बड़ा हरियाली थी उसके के बीचों में उनका घर हुआ करता था. हिज होम इज नॉट इवन द डिस्टेंस मेमोरी, अब तो उसका घर उसके उसे याद आता भी नहीं है. देर वर मैनी स्टॉम्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, बहुत सारे स्टॉम्स आए जो कि उसको घर को बहा करके लेके चला गया. हिज स्टोरी टेल्स हिज मदर, ये कौन कहता है, उसकी मदर कहती है बात. That is why they left, और इसीलिए उन लोगों ने छोड़ दिया किसको, ढाका को. Looking for gold in the big city where he now lives, और इसीलिए वो लोग शहर में रहते हैं जहाँ पर कि वो गोल्ड की तलाश में है. गोल्ड मतलब अपने जीने का साधन. I have nothing else to do, अब वो कहता है साहब कहता है, he mutters, वो कहता है कि मुझे करने के लिए और कुछ भी नहीं है. mutters का मतलब थोड़ी फुसफुसाने वाली आवाज में. लुकिंग अवे, देखते हुए. गो टू स्कूल आई से ग्लिबली, रियलाइजिंग इमिडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, अब नरेटर कहती है तू स्कूल जाओ. आई से ग्लिबली, जब कोई किसी को ग्लिब या ग्लिबली कहता है, ग्लिबली मीन्स स्पीकिंग और स्पोकन इन अ कॉन्फिडेंट वे बट विदाउट केयरफुल थाट और ऑनेस्टी, यानी आप किसी को कुछ कहते हो बड़ा एकदम गंभीरता से, लेकिन ये रियलाइज नहीं करते हो कि आखिर उसका परिणाम क्या होने वाला. और फिर नरेटर को ये रियलाइज होता है कि उसका जो एडवाइस है कितना होलो है, मतलब उसके एडवाइस में जान नहीं है, क्योंकि उसके लिए स्कूल बड़ा मुश्किल था. देर इज़ अ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, वेन दे बिल्ड वन आई विल गो, अब कहता है मेरे पड़ोस में कोई भी जो स्कूल है नहीं है, जब वो बनेगा तो मैं जाऊंगा.
If I start a school, will you come? Narrator कहती है अगर मैं start करूँगा तो तुम आओगे? I asked half joking. यानी ये मजाक में उसने उसको कहा. Yes, he says smiling broadly. वो हंसते हुए कहा, हाँ आऊँगा. A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? कुछ दिन बाद वो मुझे मेरे पास आया दौड़ते हुए और कहा कि क्या आपका स्कूल तैयार है? It takes longer to build a school. बहुत समय लगता है इसको स्कूल को बनने में. I say embarrassed. मैंने ये कहा लेकिन नरेटर बड़ा embarrassed थी at having made a promise that was not mean. क्यों embarrassed थी? कि उसने इस एक चीज प्रॉमिस किया जिसका कोई मतलब नहीं था. But promise like minds abound in every corner of his blink world. Blink मतलब होता है empty. Abound का मतलब होता है बहुत ज़्यादा. तो नरेटर कहती कि मुझ जैसा प्रॉमिस जो है उनके लाइफ में उनके खाली सा जीवन में बहुत हुआ करता है. यानी कि बहुत सारे इंसान उसको इस तरह से प्रॉमिस किए होंगे. आफ्टर मंथ ऑफ नोइंग हिम जब एक मंथ तक उसको जाना. आई आस्क्ड हिज नेम मैंने उसका नाम पूछा. साहेब आलम ही अनाउंस उसने अपना नाम क्या बताया? साहेब आलम. ही डज नॉट नो वट इट मीन्स उसे ये पता नहीं था कि इस नाम का मतलब क्या होता है. इफ़ ही न्यू इट मीनिंग अगर वो जानता इसका मतलब क्या होता है. लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स इसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स. ही वुड हैव हार्ड टाइम बिलीविंग इट उसको तो ये विश्वास ही नहीं होता कि उसके नाम का मतलब लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स होता है. अनअवेयर ऑफ वॉट हिज नेम रिप्रेजेंट्स अपने नाम से अनभिज्ञ होते हैं ना कि उसके नाम का क्या मतलब है उसे अनअवेयर था. ही रोम्स द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड यानी कि वो अपने उस गलियों में अपने दोस्तों के साथ घुमा करता था. एन आर्मी ऑफ बेयर फुट्स बॉयज हु अपीयर्स लाइक ए बर्ड मॉर्निंग्स मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट द नू यानी कि किस तरह से एक आर्मी ऑफ बेयर फुट्स बॉयज यानी कि एक आर्मी का जो झुंड होता है उस तरीके से जिसके पाँव में चप्पल नहीं होता था. अपीयर्स लाइक ए मॉर्निंग बर्ड जैसे सुबह में कोई बर्ड्स दिखाई देता था शाम में गायब हो जाता इसी तरीके से वो लोग सुबह में दिखाई देता फिर शाम को गायब होता. ओवर अ मंथ आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम एक महीने के बाद मैंने सबको रिकॉग्नाइज कर लिया कि कौन क्या है किसका नाम है. व्हाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स आई आस्क्ड वन मैंने एक से पूछा तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते. माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ तो एक उसमें ऐसा आंसर देता है कि मेरी मदर सेल्फ से निकाल के नहीं दिए. ये आंसर सिंपली. फिर उसमें से दूसरा कहता है इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ एट्स अनदर दूसरा कहता है कि अगर इसको मदर देती भी तो उठा करके फेंक देता. हु इज वियरिंग शूज जो जिसने कहा वो क्या पहना था शूज पहना हुआ था दैट डू नॉट मैच जो कि मैच नहीं कर रहा था क्योंकि शूज अजीबो गरीब था. व्हेन आई कमेंट ऑन इट जब मैंने उस पर कमेंट किया ही शफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग अपने पाँव को हिलाते हुए कुछ नहीं कहा. आई वॉन्ट शूज सेज अ बॉयज थर्ड बॉय हु हैज नेवर ओन अ पेयर ऑफ ऑल हिज लाइफ तो तीसरा उसमें से कहता है कि मुझे एक शूज चाहिए जो कि एक पेयर ऑफ शूज उसके लाइफ में कभी नहीं मिला था. ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट जब मैंने शहर पूरे कंट्री में ट्रेवल कर रहा था तो मैंने देखा कि जो बच्चे हैं वो बेयरफुट इन बिना चप्पल के चला करते थे. कहाँ पर? इन सिटीज और इन विलेज रोड्स गाँव में रोड के किनारे. It is not lack of money, but a tradition to stay barefoot. ये जो बच्चे चल रहे थे is one explanation. अब इसका एक explanation क्या है कि ये पैसे के कारण नहीं होता है ये tradition है. तो narrator कहती है I wonder if this is only an excuse to explain why away a perpetual state of poverty. तो narrator इस चीज़ को नहीं मानती. narrator मानती है this is an excuse. ये excuse है जो गरीबी है उसको उससे बचने के लिए. परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी होता है कि जो गरीबी बहुत लंबे समय से चली आ रही थी कंटिन्यूशन में जो होता है तो यानी कि जो लंबे समय से गरीबी में चल रहा है जी रहा है वो अपने आप को इस चीज़ से अलग करने के लिए कहता है कि दिस इज़ अ ट्रेडिशंस. आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उदीपी वंस टोल्ड मी मुझे याद है कि एक अ स्टोरी ऑफ ए मैन एक इंसान का उदीपी वंस टोल्ड मी जो कि एक उदीपी ने मुझे कहा था. एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट इन ओल्ड टेम्पल जब वो छोटा था तो क्या करता था वो स्कूल जाया करता था एक टेम्पल से होते हुए. वेयर हिज फादर वॉज ए प्रीस्ट जहाँ पर उसके फादर जो थे पंडित थे. ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल
क्या करता था, टेम्पल के सामने रुक जाता था एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज, और वहां क्या करता था, प्रे करता था कि उसको पेयर ऑफ शूज मिल जाए। 30 इयर्स लेटर आई विजिटेड हिज टाउन, 30 साल के बाद मैं उसके टाउन को विजिट किया एंड टेम्पल विच नाउ ड्रॉन इन एयर ऑफ डिसोल्यूशंस, और फिर वो क्या हुआ कि कम्प्लीटली बर्बाद हो चुका था, या फिर इवन ये भी कह सकते हैं हम कि जैसा पहले था वो इस तरह से नहीं था। इन द बैकयार्ड वेयर लिव द न्यू प्रिस्ट, लेकिन उसके पीछे बैकयार्ड में एक नया प्रिस्ट रहता था। देयर वर अ रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, जहाँ पर कि वाइट एंड राइट रेड कलर के प्लास्टिक चेयर थे। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन द ग्रे यूनिफॉर्म वियरिंग शॉक्स एंड शूज, एक यंग बॉय जो कि ग्रे कलर का यूनिफॉर्म पहना होता, वो क्या पहना होता, शॉक्स भी था, उसके पास शूज भी थे। एराइव पेंटिंग, हाँफते हुए आया एंड थ्रू हिज बैग ऑन द फोल्डिंग बेड, और क्या क्या अपने बैग को फेंक दिया बेड पे। लुकिंग एट द बॉय, जब मैंने बॉय को देखा, I remember the prayers another boy had made to the goddess. मुझे याद आता है कि जब एक दूसरा लड़का ने, एक दूसरे आदमी ने प्रे किया था गॉडेस यानी भगवान के सामने। When he had finally got a pair of shoes, और फिर उसको फाइनली जो है शूज मिल गया था। Let me never lose them. अब ये जो वर्ड है let me never lose, इसका मतलब कि मैं चाहती हूँ कि उसको ये जो उपलब्धि मिली है या जो है वो उससे जाए ना। The goddess had granted his prayer. भगवान ने उसकी प्रार्थना तो सुन ली। Young boy like son of priest now wore shoes. अब जो young boy है priest के now wore shoes, यानी कि अब वो shoes पहनता है। But many other like the rag pickers in my neighborhood remain shoes. लेकिन बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो rag pickers के तरह, जो कि shoe less, जिसके पास shoes नहीं है। My acquaintance with the barefoot rag pickers lead me to Simapuri. यानी मेरा जो परिचय था इन लोगों से, यानी इन लोगों से जो बातें करते करते क्या हुआ, मेरा मुझे कहाँ लेके चल गया, सीमापुरी, a place on periphery to Delhi, yet mile away from it metaphorically. चूँकि जो narrator थी वो भी दिल्ली में रहती, तो ये कह रही है metaphorically दिल्ली में ही थी, लेकिन दिल्ली में वो सीमापुरी थी, सीमापुरी में है, सीमापुरी दिल्ली के साइड वाले पार्ट में पड़ता है, इसलिए ये चीज यूज किया गया, फार माइल अवे फ्रॉम इट। दोज हु लिव्ड हियर आर स्क्वाटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, यानी यहाँ जो लोग रहते हैं वो स्क्वाटर्स, स्क्वाटर्स क्या होता है, ऐसा इंसान जो बिना किसी परमिशन के, अ पर्सन हु लिव्स इन अ बिल्डिंग विदाउट परमिशंस, जैसे खानाबदोश इंसान वगैरह होते हैं वो जो किसी बिल्डिंग में रहने लगते, टूटे फूटे बिल्डिंग में बिना परमिशन के। साहेब फैमिली अमंग देम, साहेब की जो फैमिली थे उसमें से एक था। सीमापुरी वॉज देन ए वाइल्डरनेस, यानी 1971 में जब वो लोग आए थे तो सीमापुरी क्या था, काफ़ी जंगल था। इट इज स्टिल, यानी अभी भी ये है, जंगल ही है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब ये खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड विद द रूप ऑफ टिन एंड टार्पलिन, अब यहाँ पर क्या है, जो उन लोगों का घर है वो किस तरह का, मड से बना हुआ है, विद अ रूप ऑफ टिन, जो छत है वो लोगों का टिन एंड टार्पोलिन यानी कि पॉलोथीन से बना हुआ। डिवाइड ऑफ सी बेस ट्रेनिस और रनिंग वाटर लिव 10,000 एपिगर्स, यानी ना उन लोग डिवाइड ऑफ सीवेज, यानी कि बिना सीवेज की सुविधा के, ड्रेनेज के सुविधा के और रनिंग वाटर की सुविधा के लगभग 10,000 एपिकर्स वहाँ पर रहते थे। दे हैड लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी, वहाँ पर वो लोग कम लगभग 30 ईयर्स से यानी 30 साल से रहते थे विदाउट एनी आइडेंटिटी, यानी उन लोग के पास आइडेंटिटी नहीं था, विदाउट परमिट, बिना परमिशन के, बट विद राशन कार्ड दैट गेट देयर नेम ऑन वोटर, लेकिन उन लोग के पास राशन कार्ड थे जिनके कारण उसका वोटर लिस्ट पे नाम था, लिस्ट वोटर लिस्ट, एंड इनेबल देम, जिनके कारण क्या करता था, देम टू बाय ग्रेन, जिनके कारण लोग को भोजन मिलता था। फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी, भोजन जो होता है ये सर्वाइवल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, आइडेंटिटी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिली एंड गो टू बेड विदाउट एकिंग स्टमक, अगर शाम तक अगर हम अपने फैमिली को खिला सके और बिना भूखे पेट, मैंने एक का मतलब होता है दर्द करना, तो बिना
अगर ये होता जब खाली पेट होता है तो कोई उसका पेट दर्द करता था, कहते विदाउट एन एकिंग स्टमक, बिना ही दर्द किए हुए पेट अगर बेड पे चल जाते हैं, वी वुड राइदर लिव हियर देन इन द फील्ड दैट गेव अस नो ग्रेन, हम लोग यहीं रहना पसंद करेंगे बजाय कि उस फील्ड में जो कि ग्रीन है और अच्छा खासा है लेकिन हम लोग को भोजन नहीं देता है। ये किसके बारे में कह रहा है? ढाका के बारे में। सेज अ ग्रुप ऑफ वोमेन इन टेटर्ड साड़ी, ये किसने कहा? एक ग्रुप ऑफ वोमेन्स थे जो कि फटी सी साड़ी में थी। व्हेन आई आस्क देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड एंड रिवर, जब मैंने उनसे पूछा कि तो आप लोगों ने अपना ये जो फील्ड है यानी घर था क्यों छोड़ दिया, तो ये एक नरेशन का सेंटेंस है। ये पहले भी हो सकता था कि व्हेन आई आस्क देम, ये पहले भी हो सकता था लेकिन लिखने का तरीका। वेर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ कहीं भी उन लोगों को भोजन मिलता था, दे पिच देयर टेंट्स दैट बिकम ट्रांजिट होम, वहाँ पर वो क्या करते थे, अपना घर लगा देते थे और वो उसका ट्रांजिट होम बन जाता। ट्रांजिट होम होता है कि ये घर जहाँ इसको उठा करके दूसरे जगह भी ले जाया जा सकता। चिल्ड्रेन ग्रो अप इन देम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, बच्चे उनके साथ बढ़ते थे और उनके पार्टनर्स बढ़ जाते थे सर्वाइवल में। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सर्वाइवल क्या था सीमापुरी में, इसका मतलब होता था रैग पिकिंग। थ्रू द ईयर्स इट हैड एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट्स, और साल तक इन लोगों ने इसमें कला हासिल कर दी। गार्बेज टू देम इज अ गोल्ड, गार्बेज उन लोगों के लिए गोल्ड होता था। इट इज देयर डेली ब्रेड, ये उन लोगों के लिए डेली भोजन का कारण होता था। इट इज फॉर देयर डेली ब्रेड। अ रूफ ओवर देयर हेड्स, और यही उन लोगों के ऊपर में छत का भी कारण होता था। इवन इफ इट इज अ लीकिंग रूप, जैसे कहते हैं कि ये रूप था लेकिन गार्बेज अगर वो छत छेद वाला भी था यानी अगर चूता भी था तो उसका कोई मतलब नहीं था। फॉर द चाइल्ड इट इज एन इवन वर्क, बच्चों के लिए तो ये कुछ और ही थे। आई समटाइम्स फाइंड अ रूपीज इवन अ 10 रुपीज नोट, साहेब सेज हिज आइज लाइटिंग अप। अब साहेब कहता है कि मैं इसमें से कभी कभी 1 रुपया मिल जाता, कभी कभी तो 10 रुपया भी मिल जाता, और ये जब बात साहब कर रहा था तो उसके आंखों में चमक थी, जब कोई खुश होता तो चमक होता। व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन ए हीप ऑफ गार्बेज यू डोंट स्टॉप स्क्रॉचिंग फॉर देर इज अ होप फॉर फाइंडिंग वन, जब आपको एक सिल्वर कॉइन मिलता है किसी गार्बेज में तो आप वहीं नहीं रुकते हैं, उससे ज़्यादा फाइंड करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लोग को एक सफलता मिलती है तो हम उससे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो उनके लिए गोल में ही जो गार्बेज था उसी में जो कुछ मिलता था वही उन लोग के लिए सब कुछ होता था। फॉर देर इज अ होप ऑफ फाइंडिंग वन, इट सीम्स दैट फॉर द चिल्ड्रेन गार्बेज एज अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम वॉट इट मीन्स टू देयर पेट, अब ऐसा लगता है कि गार्बेज जो था बच्चों के लिए अलग मायने रखता था जो उसके पेरेंट्स के लिए अलग होता था। फॉर द चिल्ड्रेन इट इज़ अ रैप इन द वंडर, बच्चों के लिए तो एक रैप इन वंडर मैंने बड़ा जो ढेर होता था वो आश्चर्य वाला ढेर होता था उस, बट फॉर एल्डर्स इट मीन्स फॉर सर्वाइवल, लेकिन जो बड़े होते थे उन लोग के लिए ये सर्वाइवल का साधन था। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय फेंस गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, एक सुबह मैंने देखा ठंडी सुबह कि साहेब जो था एक जो फेंस था उसके बगल में खड़ा हुआ था, पीछे स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस इन अ वाइट प्लेइंग ड्रेस, दो जो इंसान थे वो क्या कर रहे थे, टेनिस खेल रहे थे वाइट ड्रेस में। आई लाइक द गेम ही हम्स, थोड़ी सी आवाज में उसने बोला कि मैं इस चीज़ को पसंद करता हूँ। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, बड़ा खुश था उसको अपने फेंस के पीछे से इस चीज़ को देखते हुए, कंटेंट का मतलब होता है संतुष्टि। आई गो इन साइड वेन नो इज अराउंड, मैं इसके अंदर भी जाता हूँ, इन साहब कहता मैं फेंस के अंदर भी जाता हूँ। ही एडमिट्स द गेट कीपर लेट मी यूज द स्विंग्स, और गेट कीपर जो है मुझे जो झूला है उसको यूज करने देता। साहेब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज दैट्स लुकिंग स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर शर्ट एंड शॉर्ट, साहेब भी शूज पहने हुए थे जो उसके डिसकलर शर्ट एंड शॉर्ट्स थे, बट वो स्ट्रेंज था। स्ट्रेंज क्यों था? समवन गेव देम टू मी, किसी ने मुझे ये दिया है। He says in manner of explanation, मतलब वो बताते हुए कि किसी ने मुझे ये दिया है। The fact that they are the discarded shoes of some rich boy, यानी कि ये जो शूज था जो साहब पहने थे वो किसी रिच बॉय का डिस्कार्टेड यानी कि तिरस्कार किया गया फेंका गया शूज था। Who perhaps refused to wear, जो शायद उसने पहनने से मना कर दिया होगा because of the hole in one of them, क्योंकि उस एक में दोनों में से एक में छेद था। Does not bother him, लेकिन साहब के लिए उसे कोई मतलब नहीं था। For one who has walked barefoot
इवन शूज विद अ होल इज अ ड्रीम कम ट्रू, जो इंसान पैदल चलता था उसके लिए अगर एक होल वाला शूज भी मिल जाता है तो लगता है उसका ड्रम जो सपना है वो सच हो गया। बट द गेम इज ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली, लेकिन जो गेम वो बड़ा ध्यान से देख रहा था इज आउट ऑफ हिज रीच, उसके पहुंच से बाहर था। दिस मॉर्निंग साहब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, इस मॉर्निंग आज जो है साहब को मैंने देखा कि मिल्क बूथ की तरफ जा रहा था। इन हिज हैंड इज ए स्टील कैनस्टर, उसके हाथ में क्या था, एक स्टील का कैनस्टर था, बर्तन होता है। आई नाउ वॉक इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, यानी रोड के बगल में जो टी स्टॉल है वहाँ पे मैं काम करता हूँ, साहब ने कहा। ही सेज पॉइंटिंग इन अ डिस्टेंस, इशारे से करते हुए, आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स, डज ही लाइक द जॉब, अब मैं वहाँ पर काम करता हूँ और मुझे 800 रुपये दिए जाते हैं और मेरा भोजन भी दिया जाता है। अब फिर नरेटर पूछती है, डज ही लाइक द जॉब, आई आक्स, His face I see has lost the carefree look. जैसा नरेटर को लगा कि उसका जो फेस था वो carefree नहीं था, दैट मीन्स कि जब वो पहले अपना काम करता था बड़ा ही हैप्पी फील करता होगा, लेकिन अब किसी के अंडर में काम करता है तो वो उस तरह का उसका एक्सप्रेशन नहीं था। The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly. जो स्टील का कैंस्टर था जिसके कारण उसको 800 रुपया भी मिलता था वो काफ़ी हैवियर था, बशर्ते कि जो वो प्लास्टिक बैग कैरी करता था सो लाइटली, जो कि काफ़ी हल्का था उसके लिए, ओवर हिज शोल्डर, अपने कंधे पे। दिस बैग वॉज हिज, अब क्या था, ये जो प्लास्टिक बैग था वो उसका अपना था। द कैंस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, लेकिन कैंस्टर किसका है, जो टी शॉप का ओनर है उसका है। साहब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहब क्या है अब जो है वो अपने मन का मालिक नहीं रह गया। तो ये इस सेगमेंट में हमने लोगों ने साहब के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट जो वीडियो होगा सेकेंड पार्ट, उसमें हम लोग मुकेश के बारे में पढ़ेंगे। सो दैट इज द स्टोरी ऑफ साहब फ्रॉम द लॉस्ट स्प्रिंग। टिल दैट टाइम हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू।